बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर नोटिस जारी कर दिया है और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे और उससे पहले उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर रिकॉर्ड में रख ले। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सीजीआई की 5 सदस्यीय संविधान पीठ में ये सुनवाई जारी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को फिर से नोटिस थमा दिया गया है। एसबीआई को सोमवार तक जवाब देने का आदेश दिया गया है। बॉन्ड नंबर का खुलासा ना करने का भी नोटिस जारी किया गया है और साथ ही डिजिटल कॉपी को पहले से मेंटेन करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया है। तो सीजीआई की 5 सदस्यीय संविधान पीठ में लगातार सुनवाई जारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को नोटिस दिया गया है, सोमवार तक जवाब देने का आदेश हालांकि दिया गया है और ये भी बोला गया है कि जो भी बॉन्ड नंबर का फिलहाल खुलासा ना करे और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहे हैं उसकी डिजिटल कॉपी पहले से ही उसकी बना के रख ले एसबीआई, ताकि आगे कोई और जब उसकी एक और कॉपी रहेगी तो डिजिटली भी लोगों को अगर जानने की जरूरत हो तो डिजिटल पे भी अपलोड किया जा सके और एक साक्ष्य के रूप में आपके पास पहले से वो चीज मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे दिल्ली से, जहां पर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हरेक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं, तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, उन वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए परचेजर के भी और जिसने वो रिडीम करे हैं उनके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो पेश किए गए हैं उसमें बॉन्ड नंबर नहीं दिया गया है और उसी के बाद से ये फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बैठक हो रही है, ये अंतिम बैठक है और इसको अंतिम समीक्षा बैठक के रूप में भी माना जा सकता है क्योंकि साफ तौर से लोकसभा के जो मुख्य तो अब बता दें क्योंकि 3 बार बैठक हो चुकी है, मतलब 3 बार सुनवाई हो चुकी है, ये 3री सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जहां एसबीआई को सोमवार तक ये सारे डॉक्यूमेंट